फिर उन्होंने पूछा, रिस्क में कुशादगी चाहता हूं। सब पूछ लिया पूछने वाले ने, रिस्क में कुशादगी चाहता हूं। कुर्बान, मेरे आका ने क्या तरीका बताया है, रिस्क में कुशादगी चाहता हूं। फरमाया हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता, कुशादगी अता करे। आदत बनाओ अपनी बावजू रहने की, इसलिए कि जो बावजू रहता है फरिश्तों को उसका दोस्त बना दिया जाता है। जो बावजू रहता है जब वो मरेगा तो शोहदा की फेरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। बावजू रहने क्या दिया, बावजू रहो, और बावजू रहने की बहुत बरकत है। जो बावजू रहता है उसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा होती है और नेकियों की मोहब्बत पैदा होती है। और एक सबसे बड़ी बात, ये तो हुजूर, ये तो उनवान के तहत है कि जो बावजू है रिस्क में बरकत होगी, बहुत फजीलत है। एक फजीलत ये भी है, जो बावजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। अब बताएं, जो अल्लाह के किले में महफूज हो, जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए बावजू रहने की आदत बनो। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि अगर इस्तिंजा वगैरह कर लिया, अगर कोई देख रहे तो वजू कर लेंगे, और अकेले होंगे तो वो हो जाए। हालांकि कोई फर्ज वाजिब नहीं, हमेशा बावजू रहना, ये तकवे की बात है, कामयाबी की बात है, इसकी बरकतें नसीब है। हमेशा बावजू रहो, बहुत बरकतें हैं। लेकिन अब उसकी तरफ मैं नहीं जाता,